चलिए डिस्कस करते हैं मेजर डिफरेंसेस बिटवीन ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल एंड ग्राम फॉर्मूला। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी एटम में मौजूद नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स उसका एटॉमिक मास कहलाता है। याद रखें कि जब कभी एटॉमिक मास को एक्सप्रेस किया जाता है ग्राम्स में तो ये ग्राम एटम या मोल कहलाता है। कार्बन एटम के न्यूक्लियस में मौजूद 6 प्रोटॉन्स और 6 न्यूट्रॉन्स हैं। सो इस तरह से 6+6=12 AMU के। याद रखें कि जब कभी एटॉमिक मास को एक्सप्रेस किया जाता है ग्राम्स में तो ये हमारे पास ग्राम एटम या 1 मोल कहलाता है। सिंपली AMU यूनिट को जब हम रिप्लेस कर देंगे ग्राम से तो ये हमारे पास 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन कहलाता है, जिसे ग्राम एटम भी कहा जाता है या मोल भी कहा जाता है। सिमिलरली जब कभी किसी मॉलिक्यूल के मास को हम एक्सप्रेस करते हैं ग्राम्स में तो ये ग्राम मॉलिक्यूल या फिर मोल कहलाता है। फॉर एग्जांपल वाटर मॉलिक्यूल जिसका मॉलिक्यूलर मास 18 AMU है, जब हम AMU को रिप्लेस करेंगे ग्राम से तो ये हमारे पास 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कहलाएगा, यानी कि 18 ग्राम। इस 18 ग्राम्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल को ग्राम मॉलिक्यूल या फिर 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल भी कहा जाता है। सिमिलरली इन केस ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स हम मॉलिक्यूलर मास की बजाय फॉर्मूला मास लेते हैं। याद रखें कि जब कभी आयोनिक कंपाउंड्स के केस में फॉर्मूला मास को एक्सप्रेस किया जाता है ग्राम्स में तो ये ग्राम फॉर्मूला या फिर मोल कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड जो कि एक आयोनिक कंपाउंड है और इसके मास को हम एक्सप्रेस करते हैं फॉर्मूला मास से, जब कभी फॉर्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड जो कि हमारे पास है 58.5 AMU, यहाँ पर AMU को हम रिप्लेस कर देंगे ग्राम से तो ये हमारे पास 1 ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड यानी कि ग्राम फॉर्मूला या फिर 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड कहलाएगा। इन शॉर्ट एटॉमिक मास को हम जब एक्सप्रेस करते हैं ग्राम्स में तो ये हमारे पास ग्राम एटम, मॉलिक्यूलर मास को जब हम एक्सप्रेस करते हैं ग्राम्स में तो ये हमारे पास ग्राम मॉलिक्यूल, और फॉर्मूला मास को जब हम एक्सप्रेस करते हैं ग्राम्स में तो ये हमारे पास ग्राम फॉर्मूला कहलाता है। याद रखिए कि हमारे पास एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास जब कभी एक्सप्रेस किया जाता है ग्राम्स में तो ये इक्वल होता है 1 मोल के,